ओम नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, 13 जुलाई का दूसरा सोमवार और 20 जुलाई का तीसरा सोमवार, तीसरे सोमवार को सोमवती अमावस्या, बहुत ही अच्छा और शुभ योग। हम सभी प्रत्येक सोमवार का व्रत करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं और इसी सोमवार को आपको एक उपाय करना है, बहुत ही बेहतरीन और चमत्कारी। इसके करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा और किस्मत बदल जाएगी आपकी, यानी आपके ऊपर कोई कष्ट नहीं आएगा, कभी कोई परेशानी नहीं आएगी और जो भी मनोकामना आप बोलोगे वह मनोकामना तुरंत आपकी पूरी होगी। बहुत ही प्रभावशाली और चमत्कारी उपाय है। 13 तारीख को दूसरा सोमवार है और 20 तारीख को है तीसरा सोमवार, तो इन दोनों सोमवार को आपको यह उपाय करना है, कार्य करना है। जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अब करना क्या है आपको कि सोमवार के दिन आप शिव मंदिर जाएं, शिव मंदिर जा करके भगवान शिव जी की पूजा करें, भगवान शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ा करके भगवान शिव जी के सामने घीघा दीपक जला दें और भगवान शिव जी के सामने घीघा दीपक जला करके उस दीपक में एक लौंग डालें और साथ में आपको काला धागा भी लेके जाना है। लौंग जला डाल दें, उसके बाद ठीक शिव जी के पास दीपक जलाने के तुरंत बाद पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला दें। पीपल वृक्ष के नीचे आपको दीपक जलाना है और पीपल वृक्ष के नीचे आपको 3 दीपक जलाने हैं, दूसरे सोमवार और तीसरे सोमवार लगातार ये उपाय आपको करना है। 3 दीपक वहाँ पर आप जला दें। 3 दीपक जलाने के बाद में काला धागा लेकर के शिवलिंग पर पहना दें, काला धागा शिवलिंग पर पहना दें और पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी है। शिव जी के सामने पहले दीपक जलाना है, फिर पीपल वृक्ष के सामने जलाना है और जो काला धागा है वह शिवलिंग को पहना दें। उसके बाद में पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा करें अपनी मनोकामना बोल करके। पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा करने के बाद में अपनी मनोकामना बोले और जो धागा अपने शिवलिंग को पहनाया है वह धागा आप स्वयं ले लें और उसे धारण करें। धागा धारण करने से आपके ऊपर कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी और यह आपको बिल्कुल गुप्त रूप से करना है, इसमें आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है और ऐसा करने के बाद में सीधा आपको घर आ जाना है अपनी। सीधा आप अपने घर आ जाएं, बस इतना सा कार्य आपको करना है। दूसरे और तीसरे सोमवार के दिन पीपल वृक्ष पर परिक्रमा देने से सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, पितृदोष भी शांत होता है और आने वाले समय में कोई परेशानी नहीं आएगी जब तक काला धागा आपके पास है। मुझे उम्मीद है। जय श्री कृष्ण।